Assalamualaikum, मैं हूँ ज़ारा रिज़वान, 3D Lifestyle गुलशन ब्रांच की डाइटिशियन। आज हमारे साथ कैविटेशन की एक कंसल्टेशन है। Assalamualaikum, कैसी हैं फरजाना? अच्छा फरजाना, मुझे आपको डाइट प्लान एक देना है कैविटेशन के बाद। हम हेल्दी डाइट करवाते हैं, तो आपका कुछ डिटेल्स आपकी मुझे चाहिए होंगी। आपका हाइट क्या है आपकी और वज़न कितना है आपका? 80 kg। अच्छा, 5.5 फुट के हिसाब से आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, तो आप मुझे थोड़ी सी डिटेल्स बताएं। आपको कोई हेल्थ कंडीशन जैसे ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह का कोई मसला तो नहीं है? कोई दवाई खाती हैं आप? अच्छा, चलना फिरना है आपका, वॉक करती हैं आप? नहीं, वॉक नहीं करती। अच्छा, मुझे आप अपना खाना बताएं, पूरे दिन में आप क्या खाती हैं, नाश्ता क्या करती हैं? दो पराठे अंडे के साथ। अच्छा, नाश्ते के 2 घंटे बाद आप कुछ खाती हैं? क्या खाती हैं आप नाश्ते के 2 घंटे बाद? जैसे चिप्स खा लिया या कुछ खा लिया। अच्छा, दोपहर में क्या खाती हैं? कितनी रोटी? दो रोटी। अच्छा, सालन में ज़्यादातर आपके पास क्या चीज़ें होती हैं? सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं या गोश्त वगैरह? अभी तो मैं गोश्त ले लेती हूँ, सब्जी नहीं लेती हूँ। अच्छा, रात में कितनी रोटी है? 2। खाने की किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है आपको? पानी कितना पीती हैं आप? तकरीबन 8-10 ग्लास हो जाता है। बाहर का खाना कितना है आपकी डाइट में? बाहर में कभी कभार जाती हूँ, लेकिन घर में इतनी है। ठीक है, मल्टी वाइटामिन कोई लेती है, कैल्शियम या वाइटामिन की कोई टैबलेट? फ्रीक्वेंसी आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है? पहले कभी वेट रिडक्शन के लिए जिम वगैरह कभी कुछ किया है आपने या डाइट प्लान? कितने घंटे की होती हैं आप? 6-8 घंटे हो जाते हैं। पीरियड्स नॉर्मल हैं आपके? अच्छा, देखिए आपकी डाइट में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ओवर ईटिंग ज़्यादा कर रही हैं आप ना। जैसे आप पराठा, तो आपने अब आपने थोड़े टाइम के लिए पराठे को हटा देना है, पराठे की जगह पर आपने रोटी या ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि आप जैसे चक्की वाले आटे का इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, रिफाइंड आटे का इस्तेमाल कम से कम करें। पराठे की जगह पर आपने एक रोटी ले लेनी है, ठीक है? साथ में आप जो है वो एग वाइट्स ले सकती हैं, या आप क्या कहते हैं इसको, जो चाय लेने साथ में आप। नाश्ते के 2 घंटे बाद आपने 1-2 मीडियम साइज़ का कोई भी फ्रूट खाना है। चिप्स हेल्दी नहीं है, चिप्स की जगह पर आपने फ्रूट खाना है, ठीक है? कोशिश करें कि फ्रूट ले लें, वरना आप एक खीरा भी खा सकती हैं ग्रीन टी के साथ। ग्रीन टी आपके लिए अच्छा रहेगा, ग्रीन टी के साथ आप खीरा भी ले सकती हैं। फिर दोपहर के खाने में आपने सलाद खाना है, और आपने साथ में दाल का सूप हो गया, शामी कबाब हो गया, इस तरह की कोई चीज़ लेनी है। फिर शाम में आपने ये करना है कि आप जैसे जब चाय पीने बैठती हैं तो उस टाइम पर आपने एक मुट्ठी बादाम या अखरोट, इस तरह की कोई चीज़ लेनी है। रात में अगेन वही चीज़, आपने पहले सैलड्स खाने हैं और फिर आपने रोटी लेनी है। आपने टोटल अपना पेट, कोशिश करना है कि आपका पेट रोटी से भरे, रोटी से ना इतना ज़्यादा हो, लेकिन आप सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो आपका। अच्छा, और इसके अलावा पानी का इंटेक आपका थोड़ा कम है। जैसे कैविटेशन के बाद हम जो है वो रिकमेंड करते हैं कि 16 ग्लासेस आपने पीने हैं जिस दिन आपका ट्रीटमेंट हुआ है, और नॉर्मल डेज में आपने 12 ग्लासेस पानी का इंटेक करना है। इसके अलावा मैं आपको एक डिटॉक्स की लिस्ट बना के भेजूंगी, डिटॉक्स की लिस्ट होगी, उसमें होगा ये कि आपने डिफरेंट किस्म के डिटॉक्स उसमें मैंने बनाए हुए हैं, तो उसका हमारे ट्रीटमेंट के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, और वो एज एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं। साथ आपने वॉक करनी होगी, 45 मिनट्स की वॉक मुझे चाहिए आपकी। 20 मिनट से स्टार्ट करिए, क्योंकि आप अभी बिल्कुल भी वॉक नहीं करें, तो आप 20 मिनट से स्टार्ट करें और उसको 45 मिनट्स तक लेके जाएं। तो ये 3-4 बातें आपने लाजमी ख्याल रखना है कैविटेशन के बाद, और आपको मैं अभी डाइट प्लान वगैरह सब प्रोवाइड कर देती हूँ। इसके अलावा कुछ पूछना चाहती हैं आप? आप भी आए 3D Lifestyle कोचिंग ब्रांच में कैविटेशन की कंसल्टेशन देने, और फाइनल टाइम अल्लाह हाफिज़।